अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू एंड अदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ एक किनारा जॉय लैंड का व्लॉग दोबारा से शेयर करने लगी हूँ। मेरी यूट्यूब चैनल पे पहले भी व्लॉग्स था जॉय लैंड का, किनारा का, तो फिर से हम गए थे। मैंने कहा फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके साथ अभी मेरे व्लॉग चल रहे हैं किनारा रेस्टोरेंट का, आप लोगों को दिखाया था। और इसके साथ जब आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा सी वीडियो बन जाती हैं और आपके व्लॉग्स बन जाते हैं। तो इस तरह से अभी यहाँ से फिर मैंने कुछ क्लिप ले लिए क्योंकि हमने बोर्ड पे नहीं बैठे थे, तो इस तरह से फिर यहाँ पे आए, वहाँ पे गए, थोड़ा घूमे फिरे, पिक्चर्स ली। और इसके साथ ये किनारा रेस्टोरेंट आगे भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और इसके साथ अभी यहाँ पे हमने टिकट्स ले, बच्चों ने, हम 6-7 लोग थे और सब ने ली, आई थिंक 50 रुपीज़ की टिकट है, तो सब ने भी टिकट यहाँ पे ली। और फिर अंदर का रास्ता लिया क्योंकि ऐसी जगह पे जाएं और बच्चे झूले ना लें, इंजॉय ना करें, तो ये हो नहीं सकता। तो फिर यही होता है कि एक पॉइंट कि आप चले जाएं और आप जो है कि इंजॉय कर लें। और यहाँ से हम सब ने भी टिकट ले ली और फिर अंदर चले गए। और इसके साथ फिर हम सब लोग इधर आ गए और फिर सब ने बोला कि सबसे पहले कौन सा लेंगे। और ये जो सामने वाला जो राइड है वो चल रही थी जिसको आसमानी झूला कहते हैं, तो उसके साथ फिर हमने डिसाइड किया कि हम टिकट लेने चले गए। खड़े हुए डिसाइड किया, फिर वहाँ से हम सब ने वहाँ पे बैठने का इरादा किया। तो मैं तो जाती हूँ लेकिन कम ही बैठती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बच्चों ने ज़िद की थी आप भी साथ चलिएगा, बैठिएगा। तो फिर मैं, मुझे था कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ व्यू वगैरह ले लूँगी, लेकिन एक्चुअली ये मेरा मोबाइल जो ये वाला था वीडियो वाला, वो मेरी बांजी के पास था, और जो मेरे वाला था मैंने उस पर बनाई, वो मेरे से रेज़ होगी और मैंने बहुत अच्छे ज़बरदस्त व्यू लिए थे। और अभी इसमें जो बैठेगी ये मेरी बांजी ने लिए हैं व्यू वगैरह,
तो वहाँ पे बारी बारी बैठ के, तो पहले जब एक बंदा बैठता है तो फिर उसको उसकी जो डोली होती है, बॉक्स होता है जैसे उसको जो भी कहते हैं एनीवेज, तो वो फिर ऊपर चली जाती है। फिर दूसरों की बारी होती है, वो बैठ के तो बारी बारी इसको फिल करते हैं। तो हमें भी जब उन्होंने काफ़ी देर हमें स्टे करना पड़ा ऊपर, तो डर भी लग रहा था लेकिन नीचे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे और बस इंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, और मैं तो वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी तो ऐसे करके अपना टाइम गुजार ही लिया। और बस उसके बाद पहले तो मैंने सोचा था सब राइड्स पे बैठूंगी, लेकिन नहीं, इस पे बैठ के जो है कि ऐसे दिल हो गया तो बस कर दी। बस बच्चों ने इंजॉय किया, उन्होंने खूब झूले वगैरह लिए और बाकी वीडियोस भी उन्होंने ही बनाई। यरहम बैठ गया था और ये उसके मोबाइल में से ही आगे पीछे से, मैंने उसको बोला तो था कि व्यूज़ ज़रा अच्छे से कैरी करना, तो बस जो बने वो आप लोगों के सामने हैं। और बस यही होता है कि आप कभी वीकेंड पर मंथली आप घूम फिर के आएँ और बच्चों के साथ इंजॉय करके आएँ, तो बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, ऊपर जाके आपको पूरा किनारा नज़र आता है, जो आपको वहाँ जाके भी आपको नज़र नहीं आता, वो आपको किनारा रेस्टोरेंट भी नज़र आएगा और आगे पीछे का पूरा चनाब का दरिया नज़र आएगा। और ये बस देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं के नीचे क्या है। लेकिन हम जो मैं बैठी थी, मेरी भांजी बैठी थी और छोटा हामिद बैठा था, हमने तो नीचे बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो इस तरह से बस इंजॉय कर दिया। और एक और मज़े की बात आपको बताती चलूं, एक और बॉक्स में जो बैठे हुए थे उनमें से एक बच्चा बैठ गया और उसने डर से जो है कि उसका बुरा हाल हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी उसने। तो इसलिए छोटे बच्चों को ज़रा एहतियात कीजिएगा कि ज़रा वो ऊपर इतनी हाई ऊंचाई पे जाना होता है जिसकी वजह से बच्चे ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिल तो होता बैठने को लेकिन फिर भी जो है कि आप थोड़ी केयर कीजिएगा या पेरेंट्स साथ बैठे तो अच्छा है। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस जो था आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और इसके साथ फिर हम सब नीचे उतर आए, लाला करके हमने ये राइड मुकम्मल की और नीचे आ गए। नीचे भी ऐसा ऐसा जो है कि रश बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा रश बढ़ रहा था और बाकी राइड्स पे भी सब लोग जा रहे थे और राइड्स पे कि इसको इंजॉय करने के लिए। बाकी भी ये देख लें, ये भी था, इस पे भी सोचा था मैं बैठूंगी लेकिन नहीं बैठी। और उसके साथ बाकी भी काफ़ी ज़्यादा राइड्स यहाँ पे मौजूद हैं और आपको बहुत इंजॉय करते हो आप। इसकी टिकट भी आपको 100 में है और 150 में है, इस तरह डिफरेंट इसकी टिकट्स हैं।
और इसके साथ बाकी कुछ रिलेटिव्स भी मिल गए थे, कुछ बच्चे भी। इसके बाद इस राइड पे बैठ के ये भी ऐसे बड़ी फास्ट चलती है, और कुछ मैंने इसको स्लो किया था आप लोगों के देखने के लिए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। और जो है कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे जाके। तो बाकी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए इस व्लॉग को, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। और इसके साथ मेरे जो न्यू देखने वाले हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी जो है कि कीमती राय के साथ ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।